हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 8 का मैथ्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.3 ए स्टैंडर्ड का सेकेंड क्वेश्चन। क्या दिया है? सिंप्लीफाई। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग को अंडर रूट 27/125 और यहाँ पे क्या दिया है 3, मतलब इसका क्या हुआ कि हमें इसका क्यूब रूट फाइंड करना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी देखो 27 है तो इसको क्या करना है, स्मॉलेस्ट फैक्टर में हम लोग इसको निकाल लेंगे। अभी जैसे फैक्टर्स को कैसे फाइंड करते हो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ, अगर नहीं अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो प्रीवियस वीडियो जाके जरूर देखना। ठीक है, अभी देखो जिसे आप मैं बता देता हूं एक बार फिर से, 27 है तो देखो 2+7 कितना आ जाएगा 9, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, मतलब इसका क्या फैक्टर हो जाएगा 3 × 3 × 3। आ रहा समझ में? उसके बाद क्या बच गया हमारा 125, तो 125 को कैसे, तो सेम वैसे यूनिट के प्लेस में क्या है 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 10, 2 बचेगा 5 5 25, है ना, 5 5 25 और 5 1 5, तो इसका क्या आ जाएगा 5 × 5 × 5, है कि नहीं, सिंपल। अब क्यूब कर जैसे कि अगर हम लोग देखें तो ये लेसन ही हम लोग क्या देख रहे थे, इंडाइसेस और क्यूब रूट। ठीक है, अभी देखो पावर्स कैसे ऐड होते हैं, जैसे अगर कहीं पर भी लिखा हो a × a × a, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, a का पावर 3 लिख लेते थे, सेम उसी तरह यहाँ पे भी कर लेंगे, 3 3 3 है तो इसको 3 का पावर 3 लिख लेंगे, है कि नहीं। और यहाँ पे क्या दिया है 5, तो 5 का पावर 3, अगर आपको याद हो तो हम लोग को पता है कि अगर इस तरह से दिया रहेगा, a का पावर अगर हमें m दिया है कि नहीं, और b का पावर भी m दिया हुआ है, तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं a/b m लिख सकते हैं, तो सेम वही चीज यहाँ पर भी हो रही है, तो 3, तो इसको 3/5 और इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, पावर में 3 लिख लेंगे, है कि नहीं। अब इसको क्या आ जाएगा, ये 3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। उसी तरह देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो √16/54 और यहाँ पे क्या दिया 3, मतलब हमें क्या करना है, इसका भी सेम क्यूब में ही आंसर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 का हम लोग फैक्टर निकाल लेंगे, तो निकाल लो। अभी देखो इसके सामने मैं इक्वल टू दे देता हूं ताकि हम लोग यहाँ पे आंसर इसका लिख सकेंगे कि हमें इसका आंसर क्या लिखना रहेगा। ठीक है, तो चलो, तो 16 2 से जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 2 और 2 1 2, सेम उसी तरह 54 को भी, तो 2, अभी देखो यूनिट के प्लेस पे क्या है 4 है ना, मतलब क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 4 और 2 7 जा तो क्या आ जाएगा 3 से, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अभी मैं फास्ट क्यों कह रहा, क्योंकि हम लोग क्या है पहले ऑलरेडी हम लोग ने डिटेल्स में इसको पढ़ा हुआ है, इसके लिए अभी हम लोग जो क्वेश्चन है वो फटाफट सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब उसके फैक्टर्स लिख लो, 16 तो उसके क्या है 2 2 2 2, मतलब 4 टाइम है, लिख लिया। उसके बाद 2 × 3 × 3 × 3, यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, सिंप्लीफाई करना, तो हम लोग सिर्फ सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं उसको। ठीक है, अभी देखो कितना है 2 टाइम 2 जो है कितने टाइम है, तो 1 2 3 4 टाइम है, लेकिन हमें कितना चाहिए 3 टाइम है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 इससे रिमूव कर देंगे, कितना हो गया 1 2 3 1 2 3, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3। अभी ऑलरेडी मैंने जस्ट अभी इस क्वेश्चन के पहले ही बताया कि अगर कोई भी अगर हमें इस तरह से दिया हुआ है इंडाइसेस a/m/b/m, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a/b/m, है कि a/m/b/m दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं a/b/m, है कि नहीं, सेम उसी तरह यहाँ पे भी इसको लिख लेंगे हम लोग, तो 2/3
और उसका पावर क्या आ जाएगा थ्री। ये देखो ये जो थ्री है ना, इससे ये जो अंडर रूट हमारा है क्यूब रूट का वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा टू अपॉन थ्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे लिख लो टू अपॉन थ्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। आए समझ में, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो प्रीवियस जो हमारा वीडियो लेक्चर हुआ था उसको जरूर देखना, तो उससे आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। उसी तरह देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ क्या दिया है, रूट के अंडर में क्या दिया 729, उसका जो क्यूब रूट है कितना है 9 है, देन अंडर रूट में 0.00729 है, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी। बहुत ही सिंपल है। अभी देखो जैसे थर्ड दिया हुआ है हम लोग को इफ 729, इसका क्यूब रूट हमें पता ही है कि 9 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम उसी तरह जो उसमें हमें सेकेंड वैल्यू पूछा है उसका आंसर फाइंड कर लेंगे, 0.00729, ठीक है। अब हम लोग इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे सिंपल क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को रिमूव कर देंगे, तो रिमूव कर दो क्या आ जाएगा। अभी देखो डेसिमल को जैसे आप रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 729, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो जितने डिजिट है डेसिमल के बाद 1 लगा के उतने 0 आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 0 आ जाएगा। आधा समझ में कैसे डेसिमल रिमूव हो रहा, जैसे आप डेसिमल रिमूव करोगे तो उसका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, पहले 1 लिखेंगे और जितने डिजिट रहेंगे उतना यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया हुआ है, अब 729 का क्यूब रूट कितना होता है, तो 9 होता है कि नहीं, तो 9 लिख लो। अभी देखो ये कितना 0 है, 6 0 है ना, मतलब 6 0 मतलब क्या हो गया कि किसी भी नंबर्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये नंबर्स मिला होगा, मतलब कितने से, तो ये 100 से, कितने से 100 से। अब क्यूब, जबकि ये क्यूब है तो क्या आ जाएगा पावर 3, और ये भी पावर 3। अभी ऑलरेडी हमने जस्ट अभी देखा कि जैसे किसी भी इंडाइसेस में अगर ए का पावर m है और b का पावर m, तो उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, a अपॉन b और उसका पावर m, तो सेम उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। नाइन अपॉन 100 और एक क्यूब, ठीक है। अब उसके आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा, जैसे ये ए थ्री से क्या आ जाएगा क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9 अपॉन 100, है कि नहीं। अब देखो हम लोग को क्वेश्चन पूछा किसमें था, डेसिमल में, तो हम लोग जो लास्ट आंसर है वो भी क्या करेंगे डेसिमल में ही फाइंड करेंगे, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन थे देखो फ्रैक्शन में पूछा हुआ था, तो हमने उसका आंसर फ्रैक्शन में ही कैलकुलेट किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है इसका क्वेश्चन अगर उसने डेसिमल में पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे उसका आंसर डेसिमल में ही देंगे। अभी देखो इसको क्या करो, या तो आप डिवाइड कर दो, या तो सिंपल जैसे यहाँ पे हम लोग को बताया हुआ था शॉर्टकट वैसे हम लोग इसको यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। अब नीचे कितना 0 है, 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा और 0 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, आ रहा समझ में, ये बहुत ही सिंपल इस तरह से। तो उसके आगे 0 लगा लो और 0.09, ये क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा लास्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.09, ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में, अभी ये 0.09 कैसे आ गया डायरेक्टली, क्या आप ये नीचे क्या डिनोमिनेटर में 100 है, 100 है मतलब 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो, जैसे हम लोग डेसिमल अगर रिमूव करेंगे तो अगर हम लोग को किसी भी नंबर्स के सामने अगर डेसिमल लेना है तो जितना डिजिट रहेगा 0 का उतना डिजिट के बाद वहां पे डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट 3.3 सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ इस वीडियो लेक्चर में। अगर आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।